हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा हिंदी में। और आज हम लोग बात करेंगे क्लास 9 के इतिहास का चौथा अध्याय, जिसका नाम है विश्व युद्ध का इतिहास। आज के इस वीडियो में हम इस अध्याय के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर को देखेंगे। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव और लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर का उत्तर प्राप्त होगा। उसके लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं और वहाँ से आप पहला इसका वीडियो देख सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ, इस वीडियो का मैं पासवर्ड आपको दे दूँगा, उसे भी आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और आसानी से आप उसे लिख सकते हैं या समझ सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्ञान गंगा हिंदी को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ भी आपको PDF मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, ट्विटर पर भी जो है फॉलो कर सकते हैं। चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के क्या कारण थे, संक्षेप में लिखें। तो हम लोग जो है इसे लिखेंगे, उत्तर देंगे। प्रथम विश्व युद्ध के निम्नलिखित कारण थे। सबसे पहला, समाजवादी प्रतिस्पर्धा। औद्योगिक क्रांति के बाद बाजारों के विस्तार के लिए उपनिवेशों में निर्माण की प्रक्रिया बढ़ी। 1914 तक जर्मनी औद्योगिक क्षेत्र से काफ़ी प्रगति कर चुका था। ब्रिटेन, फ्रांस पीछे छूट चुके थे। जर्मनी को भी उद्योग के लिए कच्चे माल और तैयार माल के लिए बाजार चाहिए था। अतः जर्मनी ने तुर्की के सुल्तान से बर्लिन से बगदाद तक रेलवे लाइन बिछाने की योजना पर स्वीकृति चाही। जर्मनी की इस योजना पर फ्रांस और इंग्लैंड ने विरोध जताया। इन शक्तियों के बीच विरोध था। इधर अमेरिका भी एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आ चुका था। तो कहने का मतलब ये कि औद्योगिक क्रांति हो रही थी, सामान बेचने थे, इसलिए हर देश चाहता था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा देशों में जाए और अपने सामानों को बेचे। इसके लिए एक तरह से कहा जाए कि विभिन्न देशों के बीच जो है एक कंपटीशन चल रहा था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा देशों में अपने प्रभाव जमाए। और ये एक कंपटीशन जो था विश्व युद्ध का एक कारण बना। दूसरा पॉइंट है उग्रवाद, यानी उग्र भावना। तो करें उग्र भावना तेजी से बढ़ती जा रही थी। जाति, धर्म, भाषा और ऐतिहासिक परंपरा के व्यक्ति एक साथ मिलकर रह रहे और कार्य करें तो उनकी अलग पहचान बनेगी। यानी एक जाति के लोग, एक धर्म के लोग, एक भाषा के लोग अगर किसी अलग अलग क्षेत्र में रह रहे हैं, वे सभी एक साथ हो जाए तो उनकी प्रगति होगी, यानी उस जाति के या उस धर्म, उस भाषा के लोगों का विकास होगा। जर्मनी इटली का एकीकरण इस आधार पर हो चुका था। इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण जो है इसी नीति को लेकर के हुआ था। इटली के लोग जो है एक क्षेत्र के थे तो उन्होंने जो है अपने आप को एकीकृत किया, जर्मनी ने यही किया। बाल्कन क्षेत्र में यह भावना अधिक बलवती थी, यानी बाल्कन क्षेत्र के जो देश थे वो चाहते थे कि अगर वो अपने जाति के लोगों के साथ रहें। बाल्कन तुर्क को प्रदेश में था, यह अब स्वतंत्र होना चाहता था, यानी तुर्की के प्रभाव से अपने आप को स्वतंत्र देखना चाहता था। इस तरह ऑस्ट्रिया हंगरी के अनेक क्षेत्र अब स्वतंत्र होना चाहते थे। रूस भी इसे बढ़ावा दिया, इससे राष्ट्रीय कटुता बढ़ती गई। यानी रूस ने जो है कहा कि बिल्कुल सही है, ठीक है, जितने देश हैं अगर वे स्वतंत्र होना चाहते हैं तो हो जाए, लेकिन जो देश पहले से प्रभाव जमाए हुए थे उनके लिए ये नागवार गुजरी और इस तरह से उनमें कटुता बढ़ गई। अगला है सैन्यवाद, यानी सेना को बढ़ाया। तो यूरोप देश अपने सैनिक शक्ति पर पूरा ध्यान दे रहे थे। फ्रांस, जर्मनी आदि प्रमुख देश अपनी आय का लगभग 85% सैनिक तैयारियों पर खर्च कर रहे थे। अनुमान लगाया जा सकता है कि अपनी पूरी आमदनी का केवल सैनिक पर ही 85% खत्म खर्च किया जा रहा था। जर्मनी अपनी जल सेना में के क्षेत्र में बढ़ोतरी किया। 1912 में जर्मनी ने इम्प्रेटर नामक जहाज़ बनाया, जो उस समय का सबसे बड़ा जहाज़ था। इस प्रकार जर्मन इंग्लैंड के बाद दूसरा शक्तिशाली राष्ट्र बन गया। यानी नौसेना के रूप में देखा जाए तो इंग्लैंड सबसे ज़्यादा आगे था। तो इसने जब बड़ा जहाज़ बनाया तो ये एक तरह से कहा जाए कि इंग्लैंड के बाद दूसरा शक्ति बन करके उभरा। अगला पॉइंट है गुटों का निर्माण, यानी विभिन्न गुट जो है बन रहे थे, यानी पार्टियां बन रही थी एक तरह से कहा जाए, और इससे जो है विश्व युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई। देखेंगे, साम्राज्यवादी लिप्सा के शिकार, शक्तिशाली देश अपने हित
अनुरूप गुटों का निर्माण करने लगे। साम्राज्यवादी लिप्सा यानी उनकी जो इच्छा थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा देशों पे कब्जा करें, और इसी को लेकर के वे एक तरह से गुट बनाने लगे ताकि वे एक साथ रहेंगे तो ज़्यादा उन्हें मौका मिलेगा विभिन्न देशों को अपने कब्जे में करने के लिए। तो संपूर्ण यूरोप जो था इसको लेकर दो गुटों में बट गया। एक गुट हुआ जिसे ट्रिपल अलायंस बोला गया, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली थे। दूसरी तरफ इसमें फ्रांस, रूस और ब्रिटेन थे। और इन गुटों ने युद्ध की भयानकता तय कर दी, यानी तक कहा जाए कि ये गुट जब बन गए तो ये एक दूसरे के विरोधी गुट थे, और इस वजह से विश्व युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई। अगला है तत्कालिक कारण, यानी ये मेन रीज़न था जिसके बाद विश्व युद्ध शुरू हो गया। तो 28 जून 1914 को आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की बोसिनिया की राजधानी सेराजोवा में हत्या हो गई। ऑस्ट्रिया ने इस घटना के लिए सर्बिया को दोषी ठहराया। सर्बिया ने इनकार कर दिया, यानी ऑस्ट्रिया ने कहा कि ये आपके यहाँ हुआ है, इसलिए जो है आपको जिम्मेवारी बनती है कि जिन लोगों ने यह घटना को अंजाम दिया है उन्हें आप सजा दें। लेकिन सर्बिया ने जो है इन बातों को मानने से इनकार कर दिया। परिणाम क्या हुआ कि 28 जुलाई 1914 को फ्रांस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और व्यापक रूप धारण कर लिया। यानी जब से ही फ्रांस ने युद्ध की घोषणा करी और ये बहुत ही ज़्यादा भयानक हो गया, क्योंकि आपने देखा कि ऑस्ट्रिया और सर्बिया के बीच की ये घटना थी, ठीक है। लेकिन फ्रांस ने जब इसमें कहा जाए कि इन्वॉल्व हुआ तो युद्ध बहुत ज़्यादा भयानक हो गया। इस प्रकार इस आर्डियो फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या जो है प्रथम विश्व युद्ध का जो है तत्कालिक कारण बना। इसके बाद विश्व युद्ध शुरू हो गया। तो इस तरह से आप जो है इन प्रश्नों के उत्तर को लिख सकते हैं। आपकी आसानी के लिए मैं बता दूं, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने इसके उत्तर को लिख करके दे दिया है। आप जो है एक एक करके इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पीडीएफ ले सकते हैं। पीडीएफ के लिए आपको जो है वीडियो जो है देखना पड़ेगा, इसमें आपको पासवर्ड मिल जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ, आप उसको देख लेंगे और फिर आप इसे ओपन कर पाएंगे और ओपन करके आसानी से लिख सकते हैं। इसके अलावा इसको स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये दूसरे का है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फिर लिख लेंगे। एक एक करके हम ऐसे स्क्रॉल करते जा रहे हैं, इसी तरह से आप जो है सभी का ले लेंगे स्क्रीनशॉट और फिर उसे लिख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से हमने जो है इन सभी प्रश्नों के उत्तर को आपको दिखा दिया। आप जो है इसे आसानी से लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आपको किसी तरह की परेशानी आती है तो आप हमें ज़रूर कमेंट्स करें। साथ ही साथ ये आप हमें ज़रूर बताएं कि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो जो है आपको कैसे लगते हैं। आप इसे शेयर करें अपने दोस्तों में ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें, सीखते रहें, देखते रहें। धन्यवाद।